हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेजियार BS6 मॉडल 125 सीसी के बारे में। यामाहा की ये स्कूटर है, स्पोर्टी लुक है, डिसेंट लुक है, ये आपको बहुत ही शार्प लुक है, आप देख सकते हैं। तो आज हम इसका रिव्यू दिखाएंगे, इसका प्राइस हो गया, इसके क्या नए फीचर हैं, BS6 मॉडल में क्या चेंजेस किए गए हैं और किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है, इस बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा इसका डिटेल बताने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेजियार डिस्क ब्रेक सियान कलर BS6 2021 मॉडल रेजियार के बारे में। जी हाँ, ये है यामाहा का मॉडल स्कूटर। 125 सीसी पावर दे दी है कंपनी ने। BS4 मॉडल में जो इंजन की पावर थी वो अभी तक 113 सीसी आ रही थी, तो अब यहाँ पे कंपनी ने डिजिटल मीटर डिस्क ब्रेक के साथ पूरा यामाहा की ब्रांडिंग, यामाहा का जो लोगो लगा है, इसका जो ऑलमोस्ट लुक है, रोबोटिक लुक है, स्पोर्टी लुक है, ये बॉयज़ को काफ़ी पसंद आने वाला है ये वाला लुक, और इसको बहुत ही डिसेंट बना दिया है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो इसकी पावर है उसको बढ़ा दिया है। सबसे पहले हम लुक की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो की है, की से ही आपका बूट स्पेस खुलेगा और स्टार्ट एंड स्टॉप का नया फीचर है। लुक में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही स्पोर्टी लुक में दी गई है, आगे से इसको काफ़ी यूनिक लुक दे रही है। हुक की बात करें तो इसका जो हुक है हैंग करने के लिए वो फ्रंट में दे दिया है और बहुत ही यूनिक तरीके से वो ओपन और क्लोज करने का फैसिलिटी दी हुई है। डिस्क ब्रेक में आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है, वहीं ड्रम ब्रेक में आपको एनालॉग मीटर मिलेगा। स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर है, ट्रैफिक में ऑटोमेटिक है, ये जो नया फीचर दिया है यहाँ पे वो ट्रैफिक के लिए है। लाइट को कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन है, इंडिकेटर्स है और हॉर्न है, ये नॉर्मल है। लोगो दिया हुआ है यामाहा का आगे में, फ्रंट में जो पार्किंग के लिए LED लाइट का जो इसका लुक दिया है वो इसे बहुत यूनिक बनाता है। स्विच को ऑन करते ही ये लाइट ऑन हो जाएगी। यामाहा ने अपना लोगो का फ्रंट में भी एडवर्टाइजमेंट किया है। जो इसकी लाइटिंग है वो नीचे ही आती है। USB कनेक्टिंग है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, अलॉय व्हील्स हैं, रियर और फ्रंट दोनों में ही आपको USB मिल रहा है। FI इंजन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक कार्बोरेटर इंजन आता था स्कूटर्स में, FI फ्यूल इंजेक्टर हमारी जो गाड़ी की पावर है इसको 16% और इम्प्रूव करता है। रेजियार जो इसका लोगो है उसे काफ़ी यूनिक तरीके से दिया हुआ है। सीट पे भी इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, इसको कहते हैं सियान कलर, सियान कलर शेड है ये, काफ़ी यूनिक शेड है, डिमांड में रहता है यामाहा में। ऑलमोस्ट लुक की बात करें तो फ्रंट और बैक से अगर आप स्पोर्टी लुक के फ़ैन हैं तो आपके लिए परफेक्ट लाइटेस्ट वेट में गाड़ी है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, यहाँ 113 सीसी को 125 सीसी कन्वर्ट कर दिया गया है। वेट जहाँ 103 केजी अभी तक 113 सीसी में आता था, वहीं इसके वेट को कम करते हुए सिर्फ 99 केजी वेट में 125 सीसी की पावर कंपनी आपको दे रही है। कहने का मतलब है सबसे कम वेट में अभी तक की सबसे पावरफुल गाड़ी यामाहा ने लॉन्च कर। मिरर से लेके पूरी बॉडी का जो लुक है उसे काफी शार्प बल्ब आ रहा है इसमें। तो लाइटेस्ट वेट में 125 सीसी, अभी तक डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील है इसमें, UBS है फ्रंट और बैक। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इसका जो डिस्क ब्रेक है, एक्शोरूम की वैल्यूएशन इसकी अप्रॉक्स UP हो या उत्तराखंड हो, अप्रॉक्स 70,000 के अराउंड, अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग कलर शेड में आपको 1,000-2,000 का डिफरेंस मिल सकता है। ऑन रोड कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको विद 5 ईयर इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स उत्तराखंड में ये 93,000-94,000 में आपको कंप्लीट ऑन रोड मिल जाएगी कैश में। फाइनेंस आप चाहें तो करा सकते हैं, अपने आसपास की डीलरशिप से इसको परचेस कर सकते हैं। एक बार टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखिएगा, मैंने इसकी टेस्ट राइड ली थी, पावर काफ़ी अच्छी है और यामाहा हमेशा से ही, यामाहा का जो इंजन टेक्नोलॉजी है ब्लू कोर इंजन का यूज़ होता है, ये हमेशा से ही पावर के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रही है। फाइबर बॉडी का यूज़ हुआ है यहाँ पे, मेटल नहीं दिया है कंपनी ने। फाइबर बॉडी के साथ आपको इसका जो माइलेज और पिकअप है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, ऑल ओवर BS6 मॉडल 125 सीसी कंपनी ने बहुत ही अच्छा और एडवांस मॉडल लॉन्च किया है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।